मेरा भी उठ गई है। हाय, कैमरा देखकर हाय कर दी है। आज माशाल्लाह जल्दी उठ गई है। चलो जो नाई नाई करें। तो अभी मैंने मेरा का ड्रेस निकाला है, ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों ने कर लिया। अब मैं मेरा को शावर दिलवाऊंगी और रेडी करूंगी। मेरा सबसे ईद मिलेंगी और आज मैं नहीं जाऊंगी, आज जस्ट मेरा जाएंगी अपने बाबा के साथ, दादी नानी सबसे ईद मिलकर आएंगी। तो ये मैंने ये वाला ड्रेस निकाला है मेरा के लिए और साथ मैंने ये वाले शूज़ निकाल दिए, इसके साथ मैचिंग आ जाएंगे। मेरा ये कौन लगाएगा? अरे वाह, ये मेरा का आउटफिट है और अभी रेडी करेंगे। मेरा रेडी हो गई। ओ माशाल्लाह, क्या मिले भी, ईदी मिली है। मेरा इधर देखो, पढ़ना शुरू हो गई है। ये मेरा यहाँ पर रेडी हो गई है। मेरा इधर तो देखो, माशाल्लाह नहीं बोला आपने। ये आपका बैग है, ये लो। गुड, चलें अब। मेरा हाँ, ये ग्लासेस लगा दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा को देखा? आ जाओ, मेरा को देख लो। अब बोलो, जल्दी से बोलो, बोलो जल्दी से। ये है भाई मेरा का आउटफिट। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। आई माशाल्लाह माशाल्लाह, आई माशाल्लाह माशाल्लाह। लाफेज, कहाँ जा रही हो? घूमने, दादा से मिलने, नन्ना से मिलने, ईद मिलने जा रही हो? चलो ये लो तुम्हारा सामान। लाफेज, टाटा। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। आपको और आपकी फैमिली को इस तरह की हज़ारों ईदें देखना नसीब हो, आमीन। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो है, मिरहा रेडी होकर जा चुकी हैं अपनी, पहले दादों से मिलेंगी, फिर नानों से मिलेंगी। तो अच्छा खासा टाइम है आने में और अभी मैं अकेली हूँ, इसलिए जो है ना अच्छी खासी खामोशी है। तो यहाँ पर मैंने काम शाम तो खैर सुबह से ही चल रहे थे, वो तो मैंने सारे कर लिए थे। अभी मैं बस शावर लेकर आई हूँ, रेडी हुई हूँ और ये ईद वाले ड्रेस पहना है। ये देखें, मैंने अपनी वो वाली ईयरिंग पहनी है और ये वाले जो मैंने बैंगल मामा ने दिए थे वो पहने हैं। तो थोड़ा सा रेडी हुई हूँ और इसके बाद आज का क्या प्लान है? आज ये प्लान है कि मैं नहीं जा रही अम्मी की तरफ, क्योंकि लास्ट ईयर मैं चली गई थी, लेकिन इस बार मैंने बोला है अम्मी आप लोग आ जाएँ घर पर। और बाई फोर्स मैंने अम्मी लोगों को बुलवाया है, क्योंकि अम्मी तो पहले ही रिफ्यूज़ कर देती हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप लोगों ने आना है, क्योंकि इफ्तार पर भी नहीं आए थे और ईद पर तो लाजमी आना है। तो ईद की दावत की तैयारी की है और शाम तक आएंगे सब, क्योंकि ईद का दिन होता है ना, सब सो सो कर गुजारते हैं ऐसा ही। ये तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, यहाँ आपके घर पर भी सब सो रहे होते हैं? क्योंकि ऐसा फील हो रहा होता है, रोज़ा है और सुबह सुबह ना ब्रेकफास्ट करने का भी दिल नहीं कर रहा था, अजीब सा ही लग रहा होता है ईद वाले दिन ना, क्योंकि बिल्कुल अचानक से आपकी आदत जो है, रूटीन जो है, पूरे एक महीने की चेंज हो रही होती है। तो मामा ने कहा था थोड़ा सा लेट आएंगे, हम शाम तक आएंगे, सब सो रहे होते हैं, सोकर उठेंगे तो ईजी होगा, 4-5 बजे तक आएंगे। तो अभी मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि हाउस वाइफ की तो बस यही जिम्मेदारियाँ होती हैं। अच्छा, शादी से पहले ऐसा होता था जब मैं शावर ले लूँ और चेंज करूँ ना, तब मैंने कोई काम नहीं करना होता था, क्योंकि ईद वाले दिन तो वैसे भी हेल्पर नहीं आती, तो हम सफाई वगैरह तो कर लेते थे मिलकर। उसके बाद ना जब मैंने चेंज कर लिया, रेडी हो गई, तो मैंने कोई काम नहीं करना और बर्तनों को तो हाथ भी ना लगाना। तो ये सारे जो नखरे होते हैं ना, वो शादी से पहले ही होते हैं, शादी के बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लाइफ टोटली चेंज हो जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि शादी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है, तो बिल्कुल ऐसा ही है और ख़ुद ब खुद ये चीज़ें जो है ना आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है अभी आज दावत की प्रिपरेशन और क्या क्या चीज़ें मैं बना रही हूँ वो आप लोगों के साथ आगे चलकर शेयर करूँगी। मेरा आती हैं तो फिर दिखाती हूँ, मेरा के चेंज भी करवाऊँगी और क्या क्या चीज़ें बना रही वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें किचन में चलते हैं, थोड़ी देर रेडी हुई थी, सोचा आप लोगों से बातें भी कर लूँ। आप लोग की ईद कैसी गुजर रही मुझे कमेंट करके बताइएगा। गर्मी बाहर होगी
जदीद वाली घर पर तो इतनी फील नहीं हो रही क्योंकि एसी ऑन करके बैठी हुई हूँ। और होपफुली कि आप लोगों की जो ईद है वो भी अच्छी गुजर रही होगी, जो हाउस वाइफ है उनके तो किचन में। तो नेक्स्ट डे जो है अम्मी की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल से जितनी मैरिड लड़कियाँ मुझे देख रही हैं तो उनके भी ऐसा ही होता होगा ना, फर्स्ट डे जो है वो ससुराल में अगर हैं या अपने घर पर हैं तो वो अपने घर पर ईद मनाना ज़्यादा पसंद करते होंगे या गेस्ट वगैरह आते होंगे, और इसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे जो ट्रिप होता है वो मैका। तो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर है आप लोगों ने कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही है। तो लास्ट ईयर तो मैं चली गई थी लेकिन इस ईयर मैंने कहा अम्मी आप लोग आ जाए और नेक्स्ट डे या थर्ड डे मैं आप लोगों की तरफ आऊँगी। तो चलें जी अभी चलते हैं किचन में, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें तो मैंने कर ली थी। अभी जस्ट बिरयानी के लिए मैं कोरमा वगैरह रेडी करती हूँ और उसके बाद आ चुकी है, सो गई है। मेरा की तबीयत ख़राब हो गई, वॉमिटिंग वगैरह कर दी, गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है और ट्रैवल भी काफ़ी लॉन्ग था। ये छोटी सिस्टर भी आई है, हाय, साथ में क्योंकि अम्मी की तरफ गए थे। अच्छा आते थे और अभी ईदी लेते हैं क्योंकि आदित्य ने मुझे सुबह ईदी नहीं दी, जब तुम जब रेडी हो जाओगे ना तब वापस आके ईदी दूंगा। तो अभी आदित्य से ईदी लेते हैं। तुम्हें ईदी मिल गई? मुझे मम्मा से पता कितनी मिली है? कितनी? 1000 दी मम्मा ने। वाह भाई वाह, वैसे मुझे भी इतनी ही मिलती थी। तो बड़ी थी ना उसको। अभी आतिफ से लेते हैं ईदी और देखते हैं आतिफ कितनी ईदी देता है। जल्दी आए ना, ईदी के नाम पे चले गए। कितनी है पहले बताएं? 200 रुपए। थोड़ी ईदी होती है भाई, देखो तुम। खोला हुआ है यार ये 200 रुपए ईदी कौन देता है इस दौर में? 200 रुपए ही है अभी पूरी सैलरी आपकी आती है भाई। 300 रुपए। देखो आँख खोलो, अगर 300 से ज्यादा हुआ मेरा। 2, 3, 4, 400 है। अच्छा अब जो सही से बताएं मुझे, जितना ज्यादा हुआ मेरा सही से खोल के बताएं कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5 है तो 500 रुपए नहीं। उस बच्ची को 1000 रुपए ईदी मिल गई है। ये लाइए 500 रुपए, मेरी अम्मा दी थी। आपकी अम्मी ने दिया है ना भाई? नहीं आते मुझे, जल्दी लाए और दे। देखो जरा टॉपी करा रहे हैं। चले दे दें 1000 रुपए, गुजारा कर लेंगे। थैंक यू, ईद मुबारक। तो यहाँ पर जी बन रही है मक्खनी हांडी और ये अब है बिरयानी की प्रिपरेशन। ये मैंने अनियन कट कर लिए हैं और अब मैं कोरमा बनाऊंगी। तो अभी जी मैं खाने की प्रिपरेशन ही कर रही थी और साथ साथ मैंने सोचा कि मैं सैलड और रायता वगैरह भी बना कर रख लूँ क्योंकि ना मैं ऐसे ही करती हूँ, जब घर पर कोई आता है या दावत होती है ना तो मैं साथ साथ ही चीज़ें कर लेती हूँ, इससे ना काम भी ईजी हो जाता है। रैप करके मैं इन्हें फिर रख दूँगी। पीछे जी कोरमा बन रहा था और ना गर्मी शदीद वाली लग रही थी तो मैंने यहाँ पर ना ड्रेस चेंज कर लिया था और अभी शाम का वक्त था, मैं यहाँ पर अपनी बिरयानी जो है ना वो कम्प्लीट कर रही थी। कोरमा मैंने दोपहर में बना कर रख लिया था और साथ साथ चीज़ें भी चल रही थी। मखनी हांडी बन गई थी, आतिफ की फरमाइश थी कि मखनी हांडी बना लो, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और स्पेशली ना ऐसे ड्रेसेस पहन के जब आप काम करते हो तो गर्मी शदीद वाली लगती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ड्रेस जो है वो चेंज कर लिया था। ईद मुबारक। हाय अस्सलाम वालेकुम। कौन है? सैम। अब यहाँ पर सब आ गए थे क्योंकि सिस्टर जो थी छोटी वो आतिफ के साथ आ गई थी जब वो मिरहा को लेकर गए थे नानू से मिलवाने और वापसी पर ना छोटी सिस्टर को लेकर आ गए थे। जब वो आ गई थी तो काफ़ी मज़ा भी आता है उसके साथ, गपशप भी करते हैं, लेकिन आफ्टरनून में ना हम सारे सो गए थे। तो कोरमा वगैरह रेडी करने के बाद ना हम सब आफ्टरनून में सो गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, नींद भी पूरी नहीं हुई थी और खाना जो था वो शाम के लिए रेडी करना था तो मैं सो गई थी। और उठने के बाद जो है मैंने चाय बनाई थी, चाय शाय पी, थोड़ी सी सुस्ती हो रही थी, इसके बाद सब आ गए थे और गपशप करने के बाद अब मैं यहाँ पर डिनर की तैयारी कर रही थी। शीर कोरमा जो मैंने बनाया था वो मैं थोड़ा सा गर्म कर रही थी क्योंकि शीर कोरमा ना गर्म अच्छा लगता है, और साथ ही चिकन स्टिक जो मैंने बनाए थे अब मैं उन्हें फ्राई कर रही हूँ। और ये है जी मखनी हांडी। मखनी हांडी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और सबने ज़्यादा फोकस जो मखनी हांडी पर किया था। बिरयानी तो वैसे खाते रहते हैं लेकिन सबने ज़्यादा जो पसंद किया था वो मखनी हांडी को। और बस ईद का दिन तो यूं ही गुजर जाता है, मुझे ऐसा लगता है चाइल्डहुड की जो ईद होती थी ना वो ईद होती थी, एक्साइटमेंट होती थी, चांद रात से हमारे अंदर ईद है। और नेक्स्ट डे सुबह हमने तैयार श्यार होकर फ्रेंड्स से मिलने जाना होता था, मोहल्ले में हम जाते थे, शीर खुरमा, ईदी, ये चीज़ें ना एक अलग ही एक्साइटमेंट होती थी। लेकिन अब तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं, ऐसा लगता है ईद जो है बस सोशल मीडिया तक है। नेक्स्ट डे उठते हैं, रेडी होते हैं, पिक्चर्स लेकर सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं और बस ईद ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो है बाकी घर के काम चलते रहते हैं। हाउसवाइफ की अगर व्लॉगिंग करती हैं जो लड़कियां तो वो व्लॉगिंग कर रही होती हैं।
बस इस तरह ही अब हमारी जो है ना वो गुजर जाती है घर के कामों में। घर पर कोई दावत हो, कहीं आना जाना हो, तो इस तरह हमारी जो है ना ईद का दिन गुजर जाता है। और आज के भी ऐसा ही हुआ था, गर्मी शदीद वाली थी। और वैसे भी ना इस बार जो है बहुत सारे लोग कहीं आना जाना करने से भी अवॉइड कर रहे थे, सब ने घर पर ईद मनाई है, क्योंकि ना गर्मी भी शदीद थी और नेक्स्ट डे ज़्यादा लोग जो है ना निकलने पर फोकस करते हैं। तो हमारा भी ये प्लान था, मैंने सोचा था मैं आतिफ से कहूँगी हमें ना नेक्स्ट डे कहीं लेकर चलें, क्योंकि ना अभी वेडिंग शॉपिंग और इन चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, तो थोड़ा सा ना हम फ्रेश होना चाहते हैं। लेकिन खैर ईद के मौके पर कुछ ऐसी जगहों पर जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर आप किसी अम्यूज़ियम वाली जगह पर जाते हो ना, तो आपको वहाँ पर इंतहाई कोई रश मिलता है, टिकट्स का मिलना मुश्किल हो जाता है, और फिर ऐसे भी मज़ा नहीं आता इतना ज़्यादा जब क्राउड होना। और आतिफ की तो आदत है, वो इतने ज़्यादा क्राउड में लेकर भी नहीं जाते। खैर यहाँ पर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, और खाना मैंने थोड़ा सा पैक भी कर दिया था, क्योंकि सबको मखनी हांडी पसंद आई थी, बिरयानी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने जो है ना चीज़ें पैक कर दी। ये पापा आए थे आइसक्रीम लेकर, और अब हम खाएंगे आइसक्रीम। गर्मी काफ़ी लग रही है, खाना वगैरह तो हम लोगों ने खा लिया, अब हम यहाँ पर आइसक्रीम एंजॉय करेंगे। क्या निकाल रही हो? सारे खिलौने टूटे फूटे हैं। लाओ मम्मी दो, मम्मी दे दो, मम्मी दे दो, चाय बस बन रही है। मेरा की ईदी, मेरा ईदी लो। अच्छा आपको मिली है ये? हेलो बाबा, मेरा ईदी ले लो बाबू जी। थैंक यू, माशाल्लाह, थैंक यू बाबा, ईद मुबारक। वाह, कितनी ईदी मिल गई भाई? मेरा की ईदी काउंट, डैडी मेरा की ईदी काउंट किया आपने? थैंक यू। हेलो गाइस, हाय हाय। तो यहाँ पर ईद का दिन जो है वह अख्ताम को पहुँच चुका है, रात हो गई है, अभी सब चले गए हैं, और किचन अभी नहीं समेटा मैंने, चेंज चेंज करूँगी, इयरिंग्स उतारूँगी। इसके बाद मेरा को देखिए, जो मैंने स्टिक बनाई थी वो मेरा को मज़े की लगी है, वहाँ की बहुत मज़े की, बहुत यमी बनी है चिकन स्टिक। तो अभी मैंने सोचा चलें जी ब्लॉग को एंड कर लेते हैं, उसके बाद चेंज चेंज करेंगे और किचन की क्लीनिंग करेंगे। किचन में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, तो वो जो है मेरा लग जाएगी यहाँ से, ऐसे बर्तनों को क्लीन करेंगे। मेरा जब आई थी तो मैंने मेरा को ये वाला चेंज करवा दिया था। घर पर तो इतनी गर्मी नहीं थी, एसी में बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा था, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और सुबह जाते हुए ना मेरा को वोमिटिंग हो गई थी, मेरा ऐसे खाना वोमिटिंग हो गई थी गर्मी की वजह से। और मेरा के साथ ये इशू है अभी, क्योंकि आप लोगों ने शायद मेरे एक ब्लॉग देखा होगा, मेरा को जो है ना अगर हम मॉर्निंग में उठा देते हैं और फिर ट्रैवल करवाते ना, तो मेरा की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, और सबसे पहले मेरा को दिखाती हूँ ईदी, मेरा को कितनी ईदी मिली है, क्योंकि आज जस्ट ननियाल और ददियाल से मिली है। तो आज के सारे दिन की ईदी जो है ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आपको तो माशाल्लाह बहुत सारी ईदी मिल गई है, हैं कि क्या है? ईदी क्या है? ईदी। तो अभी चेक करते हैं मेरे को कितनी ईदी मिली है। दादी के घर गई थी, वहाँ से ईदी लेकर आई है, और चाचू ने और भाई वगैरह, अम्मी ने, पापा ने, अच्छा ना सब ने ईदी दी है। तो मैंने सोचा आज ईद का दिन है, और आज ही का जो ब्लॉग है ना, आज के ब्लॉग में ही मैं ईदी दिखाती हूँ मेरे को कितनी ईदी मिली है। तो यहाँ पर है जी 1,000, 2,000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3,000, 1, 2, 3, 4, 5, 3,500, 1, 2, 300, यानी एक सेकेंड 3,800। तो मेरा की जो कंप्लीट ईदी है आज की, ईद फर्स्ट डे की जितनी ईदी है वो 3,800 में मेरा को जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह आज की दिन ईदी मिली है। वैसे मेरा की ईदी जो होती है ना वो 6,000 प्लस हो जाती है। अभी ईद का जो महीना पूरा गुजरता रहेगा ना, जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे या अम्मी के घर खाला वगैरह सब आएंगी, तो मेरा को जो है ना ईदी मिलती रहती है, तो वो 6,000, 7,000 माशाल्लाह जो है ना वो प्लस हो जाती है। तो ये थी मेरा की ईदी और आज का सारा दिन का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आप लोगों ने ईद का दिन कैसे गुजारा और क्या क्या बनाया, फर्स्ट डे सेकंड डे आप लोग क्या क्या बनाते हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।